बोलिए लाडली लाल की। यहाँ पांडित्य प्रदर्शन करना नहीं है, समझाना है, इसलिए डिटेल में जाने की क्या आवश्यकता। डिटेल तो वहां होता है जहाँ ये दिखाना हो हम बड़े काबिल हैं। हम तो जैसे है, आप लोगों को मालूम है, दिखावे तो बेकार, न दिखावे तो बेकार। तो अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः, इसमें अथ आता भक्ति व्याख्या श्यामः, इतने शब्द हैं। अथ शब्द का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन मंगल वाचक है अथ शब्द और ओम शब्द। ये दो शब्द वेदों में मंगल वाचक माने गए हैं। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में ओम लिखो, अथ लिखो, ऐसा कुछ मंगल वाचक लिखने की परंपरा है। इसीलिए अथातो धर्म मीमांसा, अथातो कर्म मीमांसा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सब आचार्यों ने अथ शब्द रखा है पहले। तो नारद जी ने भी रख दिया अपना अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः। अथ के बाद दूसरा शब्द है अतः। अतः माने क्या होता है? इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इसके बाद का मतलब क्या? किसके बाद? इसके पहले कुछ है, इसका मतलब ये हुआ। आता हो माने इसके पश्चात। हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले उन्होंने कर्म का निरूपण किया नारद स्मृति में, फिर नारद पांचरात्र में कर्म प्लस भक्ति का निरूपण किया, वो भी कठिन लगा और स्पष्ट नहीं उनको संतोष हुआ। तो उन्होंने कहा कर्म धर्म और ज्ञान योग का चक्कर ये तो मिश्रित हो गया, उसमें मिलावट हो गई, जैसे देसी घी में डालडा मिला दो। उन्होंने कहा केवल भक्ति की व्याख्या करेंगे, ये अंतिम व्याख्या होगी मेरी, इसके आगे कोई तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अतः, अथ अतः भक्तिम। ये सिद्धा भक्ति का निरूपण करने जा रहे हैं, साधन भक्ति का नहीं। एक साधन भक्ति होती है ना जो आप लोग कर रहे हैं, और एक गुरु के द्वारा मिलती है अंतःकरण शुद्धि के बाद, उस भक्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। और व्याख्या श्यामः माने विशेष रूप से उसकी अंतरंग जो साइंस है उसका निरूपण करेंगे इस दर्शन शास्त्र में। ये संक्षेप का अर्थ हो गया अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः। ठीक है, तो कीजिए व्याख्या नारद जी, व्याख्या प्रारंभ कीजिए भक्ति की। तो उन्होंने सबसे पहले भक्ति का बहिरंग रूप बताया। आप लोगों के दो रूप है ना, एक बहिरंग नाक का नाक मुंह शरीर, बड़ा सुंदर लग रहा है, मुस्कुराता हुआ बैठा है, बड़ा अच्छा आदमी है, और जब उसके साथ व्यवहार हुआ, अरे तो बड़ा मक्कार है, बड़ा धूर्त है, बड़ा मूडी है, फिर ये सब आपको अनुभव होता है, ये भीतर वाला। तो पहले बाहर की परिभाषा कर रहे हैं नारद जी, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा माने वो भक्ति, त्वस्मिन् माने भगवान में, श्री कृष्ण में, परम प्रेम रूपा, प्रेम की जो पराकाष्ठा हो वही भक्ति है।
श्री कृष्ण में प्रेम की पराकाष्ठा अंतिम लिमिट, वही मामेकम शरणम ब्रज सर्व समर्पण, इसी को शांडिल्य ने कहा सा परा अनुरक्तिरीश्वरे। उस ईश्वर में परा अनुरक्ति हो, परा पराकाष्ठा की अनुरक्ति अनुराग,